भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा पूरे देश में 1 करोड़ दलितों को सदस्यता दिलाएगी। वहीं अकेले छत्तीसगढ़ राज्य में 5 लाख दलित वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ेगी। इसके लिए विशेष सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। शनिवार को बिलासपुर पहुंचे भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत गौतम ने प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा की। इस अभियान से जहां भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन के उभरेगा, उसके साथ साथ इसके माध्यम से जो लोग हमारे मतदाता हैं, हमारे सोच के, हमारे विचारों के, हमारे संस्कारों के हैं, उन तक लगातार हमारी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के निर्देश को अमल में लाने और भाजपा को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने की दिशा में लगातार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति मोर्चा अहम भूमिका निभा रहा है। पूरे देश के अंदर अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, जो खाली दलितों के लिए काम करता है, उनके बच्चों के रोजगार के लिए काम करता है, उनकी दलित बस्तियों में सड़कें, गली, नाली, खरंजा, पार्क, स्कूल के निर्माण की बात करता है, हेल्थ की, इंश्योरेंस की बात करता है, ऐसा अगर कहीं निर्माण है तो खाली रमन सिंह जी की सरकार में, छत्तीसगढ़ में और कहीं पर नहीं है। अनुसूचित जाति मोर्चा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत गौतम ने कई मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उनके साथ खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहले, पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी के अलावा भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कैमरामैन पुष्प रंजन कश्यप के साथ सरफराज अली, सिटी न्यूज, बिलासपुर।